हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज जहीन अहमद, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक स्कूल। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दीज थ्री टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज फर्स्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, द सेकेंड अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द थर्ड वट इज चार्जेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, I want to explain you about what is science and then I want to explain what is physics. So science किसे कहते हैं ये हम पहले समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले। जैसा मान लीजिए कि आप एक गए चेस कॉम्पिटिशन में और आपको कोई आइडिया नहीं है कि चेस का गेम कैसे खेला जाता है, ठीक है। आप बैठे कुछ देर वहाँ और आपने गेम को देखा, फिर दोनों जो अपोनेंट्स हैं वो अपने मूव चलते हैं, ठीक है। तो उनके मूव्स को देख के दो चार गेम में हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ गेम के रूल कैसे हैं, जो नाइट है उसको कैसे चलना है, बिशप को कैसे चलना है, जो सैनिक है उनको कैसे चलना है। तो ये हम धीरे धीरे आइडिया लगा लेते हैं, खुद से ही गेम के रूल्स पता कर लेते हैं। तो वैसा ही कुछ है हमारा साइंस, क्योंकि वी आर द ओनली वन, ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वन विच आर गिफ्टेड विथ इंटेलिजेंस बाई गॉड। सोचने समझने की शक्ति बस हम ही में है। तो शुरू से ही हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी रही कि नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे दिन का होना, फिर रात का होना, फिर मौसमों का बदलना, ये हो क्या रहा है। फिर लिविंग बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स सब डिफरेंट क्यों हैं। तो ये सारी जो अलग अलग चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, तो इन्हीं की जानने की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और साइंस का जन्म हुआ। साइंस जो वर्ड है, ये वर्ड आता है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना, ठीक है। जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञान भी बोलते हैं और अरेबिक में उसको बोलते हैं इल्म। इल्म का मतलब कुछ जानना, नॉलेज। तो ये ओरिजिन था हमारा साइंस का। और फिर साइंस जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से बटा हुआ है। एक बायोलॉजिकल साइंस, जो हमारा बायो का मेजर पोर्शन है, फिर उसमें बॉटनी जियोलॉजी वगैरह है। फिर दूसरा ब्रांच है हमारा फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस, अब फिजिकल साइंस इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है खुद अपने में ही, कि फिर इसको फिर दो भाग में हमने बांटा। एक फिजिक्स, जो हमें हम लोग नॉर्मल जो हमारा मैकेनिक्स वगैरह है वो पार्ट कवर करता है। दूसरा एक है केमिस्ट्री, जो फिजिकल साइंस में ही आता है, उसमें एटम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वहाँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स काफ़ी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही है, फिजिकल साइंस। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को पहले कुछ यूँ समझते हैं, रातों का होना, वो दिन का ढलना, शाम का होना, इंद्रधनुष का निकलना, फिर मौसमों का बदलना, साइट का होना, ये सब फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स से हम लोग डेली, हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई ना कोई फिनोमेना इनकाउंटर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो फिजिक्स है। फिर मौसम बदलता है अचानक से, कभी धूप है फिर तुरंत बारिश हो गई, वहाँ भी फिजिक्स है। फिर सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें अर्थ से बांधे रखता है, वो फिजिक्स है। एटमॉस्फेयर है, उसमें फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह है हमारे नेचर में, ठीक है। तो फिजिक्स को कुछ यूँ डिफाइन किया गया है सबसे ईजी लैंग्वेज में, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर में जो जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना और फिर उनके लॉज के बारे में जानना, कि अगर कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो वो किस लॉ से गवर्न हो रहा है, इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, कि दिन और रात का होना ये क्यों होता है। तो हमने, हमारे जो पूर्वज थे काफी हजारों साल पहले, वो तो उन्होंने इनकाउंटर किया कि हाँ दिन और रात होते हैं धरती पे। लेकिन ये होता क्यों है, जब आगे धीरे 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 साइंस डेवलप हुआ, फिजिक्स डेवलप हुआ हमारा, तो हमने जाना कि हाँ रोटेशन अर्थ जब होता है उसके खुद के एक्सिस पे, तो उसके कारण दिन और रात का होता है। फिर मौसम का बदलना, तो इससे हमने जाना कि ये अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण होता है सन के चारों तरफ। फिर कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस से नीचे क्यों आती है अर्थ के तरफ, तो इसमें भी एक फिजिक्स लगा है, वो है ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के कारण कोई भी चीज़ नीचे आती है अर्थ के तरफ, तो ये सब फिजिक्स है। तो हम लोग अब 10th का जो सिलेबस शुरू करेंगे, काफ़ी स्किल के साथ पढ़ेंगे और जितने भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो कोशिश करेंगे कि अपने डेली लाइफ से उसको जोड़ के देखें, काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी है क्या।
तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को एनसीईआरटी ने कुछ आसान शब्दों में ऐसे डिफाइन किया है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इजिली कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये काफी ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करने वाली एनर्जी है। अब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का कोई ना कोई एनर्जी है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमने 9th क्लास में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है हमने, पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत तरीके की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने पढ़ा था 9th क्लास में, MGH, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था 1/2 mv², तो ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक ऐसा एनर्जी है जो काफी कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट इन द सेंस इसको हम किसी भी तरीके से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया और मोटर ऑन कर दिया तो मोटर के फैन चलने लगे, काइनेटिक एनर्जी हमको मिल रही है, ठीक है। हमें लाइट एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एग्जांपल है हमारा बल्ब, ठीक है। हीट एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी हम कर सकते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ा आयरन करने के लिए, फिर गीजर है, टोस्टर है, ये सब क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वीनियंट इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी भी दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा जो भी डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड का, ये बेसिकली इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण होता है, चार्ज के फ्लो के कारण, जो हम आगे आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम जानते हैं ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट खत्म। अब इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ कहाँ देखते हो, आप अपने घर में ही डेली देख रहे हो, आप फैन चला रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, टीवी चला रहे हो, आपका मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने ब्रीफ हिस्ट्री पे। और एक और बात है कि मैंने व्हाट्सएप पे जो भी लेक्चर लिए हुए हैं, तो हो सकता है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि दोबारा क्यों देखें, लेकिन आपको सभी बच्चों को ये लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि उस समय जब मैंने लेक्चर लिया था तो उस समय मेरे पास रिसोर्स काफी लिमिटेड थे, बस कॉपी और कलम थी, तो काफी चीजें मैं बता नहीं पाया था, जो कि यहाँ मैं खुल के बताऊंगा आपको अच्छे से। इस लेक्चर को भी देखना है सभी को, और जिनका छूटा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री के अबाउट। तो सबसे पहला इसका ओरिजिन अगर कहीं से मिलता है हमें, कहीं बुक से या किसी रिटन डॉक्यूमेंट से, तो वो हमको मिलता है इजिप्शियन लोग, और इजिप्ट के जो लोग थे अराउंड 2700 BC के अराउंड, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले की बात है ये। तो हमने पढ़ा है कि इजिप्शियन लोगों की साइंस बहुत डेवलप्ड थी उस समय, जो हम आज पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बात करते हैं, तो उसी समय इजिप्शियन लोगों ने एनकाउंटर किया था इलेक्ट्रिसिटी को। वो किस फॉर्म में किया था, इलेक्ट्रिक फिश, जो इल फिश हम लोग आज बात करते हैं इसके बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जो नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी, जो इजिप्ट से होके बहती है, तो उन्होंने वहां के लोगों ने इलेक्ट्रिक फिश को एनकाउंटर किया। और उन सब पहले के लोग तो काफी ज्यादा धार्मिक भी होते थे, ठीक है, तो हर चीजों को लोगों को धर्म से जोड़ना काफी अच्छा लगता था। तो उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फिश है, उनको लगता था दिस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और ये गॉड के तरफ से आई हुई है लोगों को हेल्प करने के लिए, जरूरतमंदों को, कोई भी किसी को बीमारी हो गया या कोई परेशान है तो ये इलेक्ट्रिक फिश उनकी मदद करेगी, ठीक है। तो ये पहला एनकाउंटर था ह्यूमन बींग का इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वो लोग इलेक्ट्रिक फिश का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी करते थे, उनका ऐसा मानना था कि बहुत सारी बीमारियां जो है इस फिश के कारण ठीक हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो फिर हम जाते हैं ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में अराउंड 600 BC के अराउंड थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन हुए, इनके बारे में आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, ट्रायंगल चैप्टर में, थेल्स थ्योरम, ठीक है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, तो ये काफी फेमस है। तो सेकंड पर्सन जो इलेक्ट्रिसिटी को एनकाउंटर करने वाले थे वो हमारे थे थेल्स, ग्रीक के थे ये, मिलेटस जगह है ग्रीस में, वहीं के थे ये। तो इन्होंने एक फिनोमेना नोटिस किया, वो क्या किया, एम्बर एक रेजिनस टाइप का चीज होता है, जो सॉलिड होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है लगभग। तो जब उन्होंने एम्बर को उलेन क्लॉथ से रब किया, ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा कि रब करने के बाद एम्बर में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और उसके बाद एम्बर जो है वो छोटे छोटे जैसे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने में पॉसिबल है, वो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, जो हम लोग आए दिन करते भी हैं, अगर ड्राई हेयर्स में अगर हम लोग कॉम्ब को रब करते हैं और छोटे छोटे पेपर को की तरफ उसको ले जाते हैं, तो पेपर जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये फिनोमेना सबसे पहले देखा था थेल्स ने, ग्रीक के थे ये, और वहां पे ये
पहला ये दूसरा एनकाउंटर था इलेक्ट्रिसिटी का ह्यूमन बींग के साथ, और ऐसे काफी सारे एनकाउंटर हुए होंगे लेकिन उसका कोई ठोस सबूत हमारे पास अभी नहीं है। फिर आते हम ब्रिटिश रूल में अराउंड 1600 AD, एक विलियम गिलबर्ट नाम के एक विलियम गिलबर्ट नाम के एक डॉक्टर थे जो उस समय के तत्कालीन वहां की जो क्वीन थी उनके सलाहकार भी थे। तो इन्होंने फिनोमेना एक नोटिस किया कि दो पेयर के ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को जब हम ये सपोज दिस इज अ सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ पे अगर हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रब करने से इन दोनों में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। और दूसरा उलेन क्लॉथ के साथ, ये सपोज दिस इज अ उलेन क्लॉथ एंड दिस इज अ प्लास्टिक रॉड, और तो इन दोनों में रब करने के कारण कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो ये बात बताया हमारे विलियम गिलबर्ट साहब ने, ठीक है, इन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रखा। अब ये क्या देखा गया, दिस इज आवर उलेन क्लॉथ, उलेन एंड दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस इज अ सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज अ प्लास्टिक रॉड। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस रॉड को इस सिल्क क्लॉथ की तरफ ले जा रहा है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, और इस उलेन क्लॉथ को इस प्लास्टिक के रॉड की तरफ ले जा रहे हैं तो इन दोनों में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन जब इस ग्लास रॉड को इस प्लास्टिक रॉड के पास ले जा रहे हैं तो दोनों में अट्रैक्शन का फिनोमेना दिख रहा है। तो ये फिनोमेना विलियम गिलबर्ट साहब ने इनकाउंटर किया, ठीक है, उन्होंने फिर ये बताया। फिर उसके बाद आए हमारे चार्ल्स डुफे साहब, आज से लगभग 250 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसा बोला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने ऐसी एक बात बताई कि जो चार्जेस हैं, जो यहाँ पे चार्जेस जो है, जो रब करने से जो चार्जेस का फ्लो रहा है, जैसे हम लोग आज जो जानते ही हैं एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, तो रब करने से बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चार्ल्स डुफे साहब ने बताया कि जो चार्जेस है वो बेसिकली दो नेचर के ही हैं, नेचर में दो नेचर के ही चार्जेस पाए जाते हैं, और एक चार्ज का उन्होंने नाम रखा विट्रस चार्जेस, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्जेस आज की डेट में बोलते हैं, और दूसरे चार्ज का नाम उन्होंने रखा रेजिनस चार्जेस, जिसको नेगेटिव चार्जेस के बारे में जानते हैं हम लोग आज। फिर ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद चार्जेस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हम में, ठीक है। उसके बाद आए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अराउंड 1752, दिस वॉज द ईयर, और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अमेरिका में बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे, काफी ज्यादा फेमस थे, और इनका दो तीन एक्सपेरिमेंट भी बहुत फेमस है। जैसे एक फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका, द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने लाइटनिंग के बारे में बताया, और ये बताया कि लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। सबसे पहले शख्स जो लाइटनिंग के बारे में बताने वाले थे कि इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी चार्ज है, वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। तो उन्होंने सबसे पहले आदमी थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बारे में, ठीक है। चार्ल्स डुफे साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि चार्जेस दो नेचर के हैं, एक विट्रस चार्जेस और रेजिनस चार्जेस। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया, उन्होंने सपोजिशन मान लिया कि जो इस ग्लास रॉड पे चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जम्पशन था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव है, ये देखा गया होगा माइक्रोस्कोप, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस एक जम्पशन ले लिया कि ये ग्लास रॉड जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और जो ये नीचे का उलन क्लॉथ है जिसमें हमने ग्लास रॉड को रब किया था उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले आदमी पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट लाने वाले जो थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, ठीक है। और इसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए, एंड्रे एम्पियर आए जिन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ दिया, फिर इसके बाद काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जैसे कि हमारे यहाँ माइकल फ्रेडे साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक कर दिया एक दूसरे में आपस में। पहले इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच थी, फिर ये मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच थी, फिर बाद में पता चला काफी रिसर्च के बाद कि दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब ये अराउंड 200-300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही फेमस